हमारे साथ मौजूद है सारे में छोटा सा बच्चा है और बहुत बड़ा डॉग लेकर आए इवेंट का इस तरह है। हस्की है कौन सा है? ये कॉकेशियन शेपर्ड है। कहाँ से ये कहाँ की इम्पोर्ट है? ये रशियन इम्पोर्ट है। रशियन इम्पोर्ट है। ब्रीड कौन सी है? कॉकेशियन शेपर्ड। अच्छा आपने पहले बताया, ये आपने किस एज में मंगवाया था? ये 11 मंथ्स में। 11 मंथ का। अभी इसकी एज कितनी है? 14 मंथ। ये ब्रीड ही ऐसी है। सारा दिन ऐसे ही करता रहता है? नहीं, जब इसको फील होता है, मतलब फील होता है कि आने वाला है। अच्छा। यस, तो ये तभी करता है। आज ये इवेंट जीतेगा इंशाल्लाह। ये पहले कितने इवेंट जीत चुका है? ये आज फर्स्ट टाइम गया। फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि ये जीतेगा। बहुत प्यारा है। और आप इसको टाइम देते हो, स्टडी को टाइम देते हो? स्टडी। कैमरे में देखो ना जरा, पक्की बात है स्टडी को? ये मम्मी भी देख रही, पापा भी देख रहे हैं। जी जी, स्टडी। स्टडी को टाइम दे। इसको कितना टाइम देते हो? इसको 1 से 2 आवर। आपको प्राइस याद है इसकी कितने का इम्पोर्ट करवाया था? यस। कितनी? 11। 11 लाख? यस। नो? यस। अब कितने का होगा? अब ये होएगा मिलियन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अंकल? नहीं भाई, कहो यार। चलो जी भाई कह देते, अंकल नहीं कहना। अच्छा मुझे बताइए, ये जो स्वीट सा क्यूट सा, इसका क्या नाम रखा है और इसकी एज क्या है? नाम है मैक्स और 8 मंथ्स का है ये। 8 मंथ्स का है। मेल फीमेल? मेल। मेल है। तो अभी ये पहले कोई डॉग शो कर चुका है? नहीं, ये फर्स्ट शो है इसका। तो क्या लगता है जीतेगा? ये जीता हुआ ये। अच्छा, हाँ? किस तरह पता है आपको जीता? ये अभी देखा, सारे आंखों का तारा बना हुआ है। बाकी ये इनकी हाइट और नहीं बढ़ सकती? थोड़ी सी बढ़ती है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच, इससे ज्यादा नहीं। डेढ़ मत, उसकी उस टाइम उसकी एज क्या होगी? तकरीबन 1.5 साल पे। ज्यादा से ज्यादा इनकी एज कितनी होती है यार? ये नहीं पता है। पहला शौक है आपका? पहला। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से लिया है। कितने का आया था ये? ये तकरीबन 70,000 का। 70,000 का। वाओ, मैक्स बहुत प्यारा है जी, बेस्ट ऑफ लक। आप माशाल्लाह मेरी तरह कमजोर से, लेकिन कुत्ते आपने इतने हैवी रखे हुए, ये क्यों खास वजह? शौक बहुत हैवी है हमारा। अच्छा मुझे बताएं, चारों हैं, चारों का सर नाम बताएं इनका, वो बताएं ब्रीड एंड इंपोर्ट। ये बियर है, ठीक है। इसको रेम्बो कहते हैं, ठीक है। ये ओली है, ठीक है। और ये सैम है। सैम है। कितनी कितनी की एज है, कहाँ की इम्पोर्ट है? ये कजाकिस्तान, मास्को, टर्की, रोमानिया। उन इलाकों में पाए जाते हैं ज्यादा? ज्यादातर उन्हीं इलाकों। पाकिस्तान के अंदर की ब्रीडिंग नहीं होती? ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, लेकिन पाए उन्हीं इलाकों में। कामयाब हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, इसकी ये जो बहुत खूबसूरत है, आई थिंक विन कर चुका है ये। जी बिल्कुल। इसकी कितनी एज है? इसकी 3 इयर्स। 3 इयर्स में इतना वेट और हाइट गेन कर लेता है ये? बिल्कुल कर लेता है। आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया तकरीबन 90-95 केजी इसकी वो है, वेट है। जी बिल्कुल। तो ये इसकी खुराक भी वैसी होगी फिर? जी, डाइट भी इसी तरह लेते हैं। दिन में क्या इसको दे रहे हैं आप? डॉग फूड और रॉ वगैरह दे देते हैं। जी, बीफ वगैरह, कीमा, राइस दे देते हैं। पर डॉग का कितना खर्चा है एक दिन का? 2 से 3,000 कह सकते हैं, पर डे में आ जाता है। पर डे 2 से 3 हज़ार रुपया एक कुत्ते का जो खर्चा है, ऑलमोस्ट एक महीने का 90,000 रुपया। और हम 4 कुत्ते हैं घर में, कितने? 20 डॉग्स हैं और 90 × 20, ये मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। शौक की बात है, शौक का कोई हिसाब किताब नहीं। अरे भी नहीं तो बेहतर है। ऐसे ही है। मुझे पता है सेल परचेज भी करते हैं? जी बिल्कुल। या सेल करते हैं या सिर्फ परचेज करते हैं? सेल भी करता हूँ, परचेज भी करता हूँ। वंस अगेन काशी भाई हमारे साथ मौजूद है। काशी भाई मुझे बताएं कि इवेंट चल रहा है बहुत अच्छा, वो लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आज से पहले कभी नहीं आए डॉग शो में, वो कैसे ज्वाइन करेंगे और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती है, ठीक है। और वो सिंपल सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास डॉग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप अपने डॉग को लेके आएँ। अगर आपका कैनल है, अगर आपने डॉग को पेडिग्री कराया हुआ है या आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं कराई हुई है हमारे क्लब के साथ, उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आप एक जैसे आज आप जैसे सुबह हुआ था, एक जो है वो ब्रिटिश लेडी आई थी अपने डॉग को यहाँ पे वॉक कराने के लिए। उन्होंने कहा, जी ना मेरे पास पेडिग्री है, ना मुझे कुछ पता है ये वो, लेकिन मैं डॉग को पार्टिसिपेट कराना चाहती हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपीस। उन्होंने रजिस्टर कराया और वो अपने डॉग को पार्टिसिपेट करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग हैं जिनके कैनल्स होते हैं, हम लोगों की रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हमें उसमें तकरीबन 500 रुपये का रिबेट है, ठीक है। ठीक है, तो हमारी रजिस्ट्रेशन 1500 है इंस्टेड ऑफ 2000, ठीक है। अगर आप एक रैंडम आदमी हैं और रैंडम डॉग आपके पास है और आप उसको लेके आना चाहते हैं, आपको सिर्फ डॉग लाना है, खुद अपनी प्रेजेंस लानी है, रजिस्ट्रेशन फीस बाजू का 2000 होती है, बाजू का 2500, जो भी उस इवेंट की रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी है और अपने डॉग को रिंग में हैंडल करना है बस। अगर सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमें डॉग चलाना नहीं आता या डॉग शो में हमारे साथ नहीं आ सकता, ऐसा अगेन कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हैंडलर्स मौजूद होते हैं,
पर डॉग की हैंडल चार्जेस उनके साथ डिस्कशन करके आपस में बार्गेन करके उनके साथ बातचीत वगैरह करके, वो भी यहाँ पे सर्विस देने आए हैं ना, वो भी सर्विस देने आए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग हैं जो डॉग्स को नहीं चलाते, लेकिन ट्रेनर्स यहाँ पे हैंडलर्स आए हुए हैं, वो उनसे नॉमिनल फीस लेके डॉग को चलाते हैं और उनसे विन भी करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप डॉग का शौक रखते तो आप आए, हम आपको हर हवाले से फैसिलिटेट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस दफा सबसे अच्छी चीज जो अभी तक जो कैटेगरीली कोई ब्रीड का शो हो रहा हो वो अलग होता है, लेकिन जो ऑल ब्रीड चैम्पियनशिप डॉग शो है, मैंने पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान में किसी शो में कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नहीं देखा। आज है, आज के शो में मूडी फूडी स्पॉन्सर है। वाह वाह, ठीक है, अगेन मूडी फूडी है। आज के शो में मूडी फूडी की तरफ से बेस्ट इन शो की जो लाइन है जिसमें तीन डॉग्स आएंगे उनको कैश प्राइजेस भी है, और वो चेक्स बने हुए हैं वहाँ पे, अगर आपने दिखाया, अभी थोड़ी देर बाद वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। एक बार फिर बहुत सारे बहुत प्यारे हस्कीज हमारे पास मौजूद हैं तीन। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जनाब कितने से बात आ रहे हैं शो में? हम एक महीने के बाद। अच्छा, लास्ट टाइम हुआ तो उस टाइम भी आप आए थे, मुझे बताइए तीन या आपके पास हस्कीज? नहीं, हमारे पास 5 डॉग्स हैं, एक जर्मन शेफर्ड है और बाकी हस्कीज हैं। ये कौन से? ये साइबेरियन हस्कीज हैं। साइबेरियन हस्कीज कौन से, इसके अंदर वो होता है मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। वुली कोट है ये तीनों, वुली कोट हैं। होम ब्रीड? जी ये नहीं, ये इम्पोर्टेड ब्लड लाइन की फीमेल है, ये मैंने परचेज की हुई है, ये होम ब्रीड के हैं, बाकी सारे डॉग्स हमारे होम ब्रीड के हैं। मुझे बताएं ये जो आप स्पेशल आप बता रहे हैं, इसको कितना अर्सा हो गया इम्पोर्ट किए हुए? ये इसके पेरेंट्स इम्पोर्टेड हैं। अच्छा। ये तकरीबन ये है 9 महीने की। 9 महीने की? कितने की परचेज की थी ये? उस टाइम छोटी आई थी तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये की। छोटी थी तो 2 लाख रुपये की, अब कितने की होगी? अब इसकी कोई कीमत नहीं है, मैंने बेचनी नहीं है इसलिए। अच्छा, शौक का तो कोई मूल्य वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदाजन मार्केट की बात की जाए, शौक की बात की जाए तो तकरीबन देखें बड़ा हस्की पेडिग्री हस्की तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का मिल जाता है अच्छा डॉग। जिन भाई के पास थे व्हाइट हस्की, उन्हीं के पास ये मिक्स कलर, इनको क्या कहते हैं? ये साइबेरियन हस्की है, कॉपर एंड व्हाइट। कॉपर एंड व्हाइट, तो ये भी उतने यूनिक है जितने वो हैं? जी बिल्कुल। ऐसी क्या बात है, लोग कहते हैं व्हाइट और जो ग्रे शेड में ज्यादा यूनिक होते हैं? किसी की अपनी अपनी पसंद है, ज्यादातर लोग व्हाइट प्योर व्हाइट पसंद करते हैं, कोई कॉपर पसंद करते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पसंद करते हैं, कोई ग्रे पसंद करते हैं। अच्छा मुझे पता है उनकी कॉस्टली ये भी होते हैं। अच्छा, व्हाइट सबसे ज्यादा कॉस्टली है, उसके बाद ये कॉस्टली होता है ब्राउन कलर में। अच्छा मुझे पता है आपके पास जो व्हाइट वाले थे वो उससे बड़े थे, इनकी कितनी है जो उनकी 5 मंथ थी? ये 2.5 मंथ्स है, मतलब 2.5 महीने के, तो इतनी ग्रोथ इनकी बहुत तेजी से नहीं होती? डाइट अच्छी दें, केयर अच्छी करें। अच्छा, एक कुत्ते के ऊपर हस्की के ऊपर 1 महीने का कितना खर्चा है? नहीं गिना, जब गिनने लग पड़ोगे फिर रखना नहीं, नहीं एक अंदाज होता है ना। उस यूथ को भी एक मैसेज देना है कि जो काम करना चाहता है, शो करना चाहता है, वो क्या मैसेज लेके जाए? बस काफी खाते हैं, खर्चा अपना खाने का मुझे तो यही काम कर सकते हैं। मुझे तो यही पता है उसके लिए एसी भी चाहिए, चिलर भी चाहिए, रूम कूलर भी चाहिए, मैं तो यही सोच के नहीं रखता। जो है वो मंथली आप 50-60,000 जो है वो खाते हैं, मतलब कि एक अच्छे बंदे की जॉब। हाँ जी, आपके पास कितने हैं इस टाइम? मेरे पास 15 है। 15 है माशाल्लाह, भाई फिट असामी है। तो आज ये भी जीतेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। पहली दफ़ा है या नहीं? नहीं, थर्ड शो है मेरा ये। थर्ड शो है, और पहले 2 दफ़ा? पहले 2 दफ़ा है। ये जीते थे पहले 2 दफ़ा? नहीं, अभी लाए इनको अभी। अच्छा, पहले बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू, इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू, बहुत प्यारे हैं जी।